अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या रह जाता है, तो नीतीश कुमार एक बार उनको बार बार ये टॉर्चर भी किया जाता है, ठोनहस दिया जाता है कि आप अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए। आरजेडी की बात कीजिए, आरजेडी में हमने आपको खबरों में बताया था कि आरजेडी के तरफ से अगर लालू प्रसाद दिल्ली में बैठ करके एक बड़े कैनवास पर तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपको ये बताया था कि उसमें एक तस्वीर कम है नीतीश कुमार की, लेकिन शायद नीतीश कुमार अभी अपनी तस्वीर उसमें लगाने के लिए तैयार नहीं है। जब बिहार की बात होती थी तो बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी चलना नहीं चाहती थी जी। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 15-16 सालों में ये बात नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे जी। जब सवाल पूछा गया जनता दल यूनाइटेड से, तो जनता दल यूनाइटेड के जो बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अपनी बात रखते हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ साथ आरसीपी सिंह, उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, सबकी बातों को कलेक्टिव रूप से रख करके और ये समझा दिया कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं भाजपा के साथ जी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जब हम आपको हमेशा से ऐसे ही खबरें देते हैं जो खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई होती है और पीछे से लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है उन सभी मामलों पर चर्चा करते हैं। पीछे राजनीति में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इन सारी चर्चा को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने कर ली तैयारी और किसी से नहीं रखेंगे यारी, ये मुद्दा है। और बाबा जानने की कोशिश करेंगे, बाबा नीतीश कुमार लगातार अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, दोस्ती करते हैं लालू प्रसाद यादव से, कहीं बीजेपी से, अब ये कौन सा नया फॉर्मूला लगा रहे हैं? सनी, आज हम लोग जो बात करने बैठे हैं जी, एक दिन पहले का दिन आपको याद दिलाना चाहेंगे जी, और इसी से आज की शुरुआत भी करेंगे। कल जिस तरह से आपके साथ मैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से जी, पिछले हम लगता है कि 4 महीने के बाद जी मैं ऑफिस से बाहर निकला था और कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं पहली बार ऑफिस से निकला था और कई नेताओं का शिकायत था कि आप से मुलाकात नहीं हो पा रही, आप आते नहीं हैं। मेरी मुलाकात हुई और संजोग ऐसा था कि बिहार में जब राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है तब हमारी मुलाकात हुई, कई दल के नेताओं से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। अगर बात करें तो ये एक तरह से मंथन आप कह सकते हैं, जो राजनीतिक मंथन हमने कल किया आज उसी को आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। कल तक हम ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस खेमे में जाएंगे, उस खेमे में जाएंगे, लेकिन ये आधा सत्य था जी। पूरा सत्य ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी जमीन एक बार फिर से अपने लिए बना ली है जी। न तो नीतीश कुमार को अब इस बात से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करती है, और न इस बात से उनको कोई मतलब है कि लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं जी, क्योंकि दोनों के साथ रह करके, बीच में आ करके, साथ छोड़ करके, साथ पकड़ करके सब कुछ नीतीश कुमार ने अनुभव कर लिया। इससे उनका कहीं ना कहीं घाटा ही हुआ है। नीतीश कुमार की जो छवि थी 2005 में और 2005 से 2010 तक का उन्होंने जो अपना एक अलग ऑरा बनाया था जी जी, उस ऑरा में उन्होंने साफ तौर पे पिछली सरकार को, यानी मैं सिर्फ लालू प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही सरकार की बात कर रहा हूँ, दोनों ही सरकार की नाकामियों को उन्होंने दर्शाया था जी। तब भाजपा भी उनके साथ थी, उस समय के नीतीश कुमार और उस समय के लालू प्रसाद, उस समय की भारतीय जनता पार्टी। आज सब कुछ बदल गया है जी। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई है और तब सत्ता की उसे भूख थी। तो आप इतना जरूर जानते हैं कि जब इंसान खा लेता है तो उसे आराम करने की जरूरत होती है जी जी। भूखा रहता है तो खाने के लिए प्रयत्न करता है। अब भारतीय जनता पार्टी खा चुकी है। पिछले 6-7 सालों से आप देख रहे हैं कि केंद्र में उसकी सत्ता है, कई राज्यों में उसकी सत्ता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे लोगों की अब शायद उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि उन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि अब वो अपने बदौलत इस देश में और कई राज्यों में अपनी सरकार बना सकते हैं जी। आपको याद होगा कि जब बिहार की बात होती थी तो बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी चलना नहीं चाहती थी जी। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 15-16 सालों में ये बात नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे जी। इतना हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार को यह कह दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2025 में आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है और ये नीतीश कुमार के लिए अलार्म है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती रखते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और अगर नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी अपनी बचाए रखने के लिए अगर सब कुछ सहते जाते हैं तो इससे बिहार का नुकसान होगा जी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से बिहार में विकास नाम का जो चिड़िया है वो कहीं ना कहीं विलोपित हो गया है। नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना लाया, नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं वो भी आपको आपने सुना, और केंद्र के सहयोग के बिना बिहार में कोई भी योजना लागू नहीं हो सकती है क्योंकि इतना संसाधन भी नहीं है और बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद संसाधन विहीन भी हो गया जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी लागू कर दी है जो एक बड़ा साधन था यहाँ आय का, वो भी बंद हो गया है। दूसरी तरफ पैरेलल इकोनॉमी की बात अगर कहा जाए तो बिहार उसको पैदा नहीं कर पा रहा है जी। बहुत सारे संसाधन नहीं हैं। रोजगार की बात यहाँ आप समझ ही रहे हैं, जो यहाँ का मुख्य जो हिम्मत है, ताकत है, वो है मैन पावर, जो यहाँ है नहीं जी। वो कहीं और चला गया है। इन्हीं चर्चाओं को देखते हुए यदि आप नीतीश कुमार की तरफ देखें तो नीतीश कुमार की तैयारियां देख करके आपको लग जाएगा कि नीतीश कुमार अब एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो बिहार को अपने दम पर और अपने अनुसार, जैसे 2005 और 2010, 2015 में उन्होंने अपने बदौलत अपने दम पर अपने साथी दलों को मजबूर किया था कि वो उनके नीतियों पर चले जी। हालांकि 2020 में भी नीतीश कुमार ने अपनी आइडियोलॉजी अलग रखी थी, उन्होंने सात निश्चय पार्ट 2 रखा था जिसके लिए उनकी आलोचना भी एलजेपी ने किया था जी जी। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को से बिल्कुल अलग अपनी बातें रखी थी, लेकिन इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार की पार्टी को बैकफुट पर रहना पड़ा। पिछली सीटें वो नहीं रिकवर कर पाया। इसके पीछे कारण क्या है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं अगर आप बात करें जदयू के किसी भी नेता से जो कि रियल में जदयू का ही हो, जदयू से जुड़ा हुआ हो, तो वो ये जरूर कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा घात किया है उसके साथ जी। अगर घात नहीं करती तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। दूसरी तरफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस घात करने से आरजेडी का कुनबा बड़ा हुआ है जी, वरना आरजेडी भी इतने सीटों तक नहीं पहुंच पाती। अब ऐसी स्थिति में घाटा किसका हुआ है ये आप बेहतर समझ रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं और नीतीश कुमार ने जो लगातार कई फैसले लिए हैं, आपने देखा कि किस तरह से आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना करके फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और राजनीतिक व्यक्ति का पद पे होना बहुत जरूरी है जी। पॉलिटिकल सिनेरियो में कितना भी बड़ा अगर कॉरपोरेट जगत से या ब्यूरोक्रेट्स कोई आकर के बैठ जाए तो वो उसी तरह से काम करेगा। इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप आता जा रहा था जिसको भरने के लिए एक पॉलिटिकल व्यक्ति का होना जरूरी था और ललन सिंह से बेहतर पॉलिटिकल व्यक्ति कौन हो सकता जी। ललन सिंह को ला करके एक तीर से कई शिकार किया है नीतीश कुमार ने। एक तो उनका लौकुश समीकरण यथास्थिति जीवित हो गया है क्योंकि ललन सिंह बार बार जा करके उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं जी। उमेश कुशवाहा को आप देख ही रहे हैं कि वो पूरी तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अपनी जिम्मेवारियों का किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर ललन सिंह दिल्ली में भी हैं तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से नीरज कुमार, संजय सिंह, अभिषेक झा, निखिल मंडल, उसके बाद आप देखिए अजय आलोक, अरविंद निषाद जी, ये सारे लोग कितना जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ये अपनी बातों को, अपने तथ्यों को रख रहे हैं और अब तो एक नई बात सामने लेकर के आए हैं कि वो नीतीश कुमार की नीतियों को, सात निश्चय को और नीतीश कुमार ने इन 15-16 सालों में क्या किया बिहार के लिए, उसको लेकर के जाएंगे। कल आपसे ही बातचीत हो रही थी नीरज कुमार की, मैं भी वहां मौजूद था। नीरज कुमार से बातचीत के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो नीरज कुमार ने कहा। जो देखिए, राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे पर हमला करना, विरोधी पर एक दूसरे पर कटाक्ष करना, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन तथ्यों पर अगर बात करते हैं आप, अगर चीजों पर बात करते हैं जिससे बिहार के आम लोगों को फायदा है, तो उन चीजों में बहुत सारी ऐसी बातें नीरज कुमार ने रखी, जिसको लेकर के वो आम जनता के पास पहुंच रहे हैं। जी, लोगों से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हम में कमी रह गई जिसके कारण आपने हमें वोट नहीं दिया। जी, और ये जब उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा करके आ रहे हैं, आंकड़े इसके जब प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस पर काम भी किया जा रहा है कि वहां जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए। इन सारी बातों के बाद हम जो आज बात कहने जा रहे हैं कि न लालू न बीजेपी दो किसी से यारी नहीं रखेंगे, तो ये तो क्लियर आपको हो गया है। जब सवाल पूछा गया जनता दल यूनाइटेड से, तो जनता दल यूनाइटेड के जो बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अपनी बात रखते हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ साथ आरसीपी सिंह, उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, सबकी बातों को कलेक्टिव रूप से रख करके और ये समझा दिया कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा हमारी बात यदि सुनती है तो हमारे साथ उन पांचों राज्यों में हम चुनाव लड़ेगी। अगर वो बात नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए रास्ता खुला है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कह भी दिया है कि हमारा बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। उत्तराखंड की बात भी वही है, और शेष राज्यों में तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाने जा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने का अगर मन बना रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये आप मान के चलिए कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि अपने बदौलत उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर वो आरजेडी के साथ क्यों जाएंगे। आरजेडी और जदयू दोनों एक समान पार्टी है दोनों का जो ऑरा है वो बिहार तक ही सीमित है। अगर कह लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में सीट जीत गए थे नीतीश कुमार तो वो हुआ था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या है, उनके जितने भी विधायक थे उस सारे विधायकों को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी चली गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों के आप बराबरी पर जब हो तो बराबरी में ही समझौता होता है। और आप इतना समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितना सीटें दिलवा सकते हैं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो कहीं भी ना तो जदयू नजर आ रही है खड़ी और ना आरजेडी नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जाने का कोई तुक ही नहीं है। रहा सवाल उत्तराखंड का, तो वहाँ भी नहीं है। अगर बात करें हम पंजाब की तो वहाँ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बिहार के मुद्दे पर क्यों साथ जाए जब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो, तो दोनों के तरफ जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई है। जो नजदीक है उसी में से पानी ले लेकर के हम अपना काम चलाते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिएगा कि जो भी आपने लगातार देखा होगा कि भारत लाइव आपको दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो प्रेम रंजन पटेल हों, अखिलेश सिंह हों, संजय टाइगर हों या जो भी हों, वो सारे एक ही बात बोल रहे हैं। और वो कोई अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, पार्टी लाइन पर वो बात करते हैं। और पार्टी लाइन यही है कि नीतीश कुमार से हमारा संबंध बिहार तक ही है, आगे हमने संबंधों पर कोई बात नहीं किया है। हालांकि एक चीज आपको बता देंगे कि इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जब इस बात को कहते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि केंद्रीय स्तर पर कैसे गठबंधन बनेगा। अगर बन जाएगा, जो बातें हम तक आएगी तब आपसे बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद डिटरमाइंड हैं कि उन्हें आगे बिहार से बाहर कहीं भी नीतीश कुमार के साथ नहीं चलना है। अब सवाल बिहार पर भी खड़ा होता है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जब बार बार ये कह रही हो कि हमने एहसान करके नीतीश कुमार को बनाया है, तो ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना वाजिब नहीं लगता है। अब आप दूसरे खेमा में आ जाइए, आरजेडी की बात कीजिए। आरजेडी में हमने आपको खबरों में बताया था कि आरजेडी के तरफ से अगर लालू प्रसाद दिल्ली में बैठ करके एक बड़े कैनवास पर तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपको ये बताया था कि उसमें एक तस्वीर कम है नीतीश कुमार की, लेकिन शायद नीतीश कुमार अभी अपनी तस्वीर उसमें लगाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार तब तक देखना चाहते हैं कब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नहीं सुनती है या नीतीश कुमार को छोड़ देती है। न तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है नीतीश कुमार को, क्योंकि एक राज्य उसके हाथ से निकल रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एन केन प्रकारे न किसी तरह से तब तक जुड़े रहना चाहते हैं जब तक कि उनको भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता न दिखा दे। और हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता में ये संदेश जाए कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी बना ले, जिससे कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता में ये कहने में बने कि भाई हमको तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और नीतीश कुमार इतना मान के चलिए, जो चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है बिहार, तो सिर्फ चिराग पासवान इसलिए नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान के पास इनपुट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है और आरजेडी की तरफ से भी है, क्योंकि दोनों उनको बुला रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या रह जाता है? तो नीतीश कुमार एक बार, उनको बार बार ये टॉर्चर भी किया जाता है, थोनहस दिया जाता है कि आप अकेले चुनाव लड़ के देख लीजिए। इस बार नीतीश कुमार जब भी चुनाव हो, मध्यावधि हो या फुल टाइम चुनाव हो, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के सेकंड लाइन के नेताओं को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं कि उन्हें न तो लालू की ज़रूरत पड़े न भाजपा की ज़रूरत पड़े चुनाव में उतरने के लिए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने लिए अलग से रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया है, जिसमें ललन सिंह की अहम भूमिका है और ललन सिंह ने ये इशारा भी कर दिया है। तो बिहार में जिस तरीके का राजनीति चल रहा है, इसमें नीतीश कुमार अब फिर से पुराने वाले रूप में आ गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक 16 सालों में जो कार्य किया है, उस कार्य को बताने का कार्य उन्होंने नहीं किया है। अब यही कार्य जेडीयू के नेता करेंगे, इसके जरिए वो जनता तक पहुंच पाएंगे और जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बता सकेंगे, जिससे आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो सके। अब देखना यह होगा कि आने वाला चुनाव कब आता है, जिसकी आशंका जताई जाती है वो होगा या फुल टाइम चुनाव होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।